अगर आपके नाम का पहला अल्फाबेट लेटर डी है या फिर हिंदी के अक्षर ड, द या ध से आपका नाम शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेटर डी को चार के अंक के साथ जोड़कर देखा जाता है। चार का अंक यानी राहु की एनर्जी। आज के इस कलयुग में राहु को राजा माना गया है। अपने इरादों के पक्के, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले, मेहनती बहुत होते हैं ऐसे लोग। चार के इस अंक को बिजनेस और मनी से भी जोड़कर देखा जाता है। बात अगर हिंदी के अक्षरों की कर ली जाए तो अक्षर ड कर्क राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी हैं चंद्रदेव। अक्षर द मीन राशि और कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति और शनिदेव। और वहीं बात अगर अक्षर ध की कर ली जाए तो ये धनु राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। अतः आप लोगों पर, डी नाम वालों पर, राहु के साथ साथ चंद्रमा, शनि और गुरु बृहस्पति का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए जिनका भी नाम लेटर डी से शुरू होता है, ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता है। किसी भी तरह का समझौता अपने काम के प्रति नहीं करता है। हर हाल में अपनी मंजिल को पाता है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, चैन से बैठता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिद में आकर मेहनत करते हैं, लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, प्रेम और पारिवारिक रिश्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, परिवार के दुलारे होते हैं, कोमल हृदय हैं, गंभीर प्रवृत्ति वाले हैं, अपनी बुद्धि के बल पर हासिल कर लेते हैं अपनी मंजिल को। ऐसा व्यक्ति काफी सहनशील है, कर्मठ व्यक्ति है, सम्मान का भूखा है। आत्मसम्मान को उनकी कोई ठेस पहुंचाए कदापि सहन नहीं करेंगे। लाइफ में इनको हर चीज मिलती है, हर तरह से सुखी होते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है किसी ना किसी बात पर ये उदास या दुखी रहते हैं, बहुत ही बेचैन रहते हैं। इसीलिए कभी कभी ये ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। इनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं अचानक से ही आते हैं। डी नाम वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जिन्हें अपने जन्म की तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, उनके लिए ये नाम राशिफल विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जिस नाम से आपको बार बार पुकारा जाता है उस नाम के पहले अक्षर की राशि का प्रभाव भी आप पर अवश्य पड़ता है। वैसे भी पुराने समय में नाम आपकी चंद्र राशि के अनुसार ही रखे जाते थे, जो सटीक भविष्यफल बताते हैं। भले ही आपके पास आपकी बर्थ डेट नहीं है, बर्थ लिस्ट नहीं है, आपकी नाम राशि का प्रभाव आपके दैनिक जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। साल 2024 पर शनिदेव का आधिपत्य रहेगा। शनिदेव लोगों को कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ही स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो लोगों को ये बताते हैं कि जीवन उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक्चुअल में शनिदेव आपका जिंदगी की वास्तविकता से परिचय कराते हैं। एक्चुअल में शनिदेव का स्वभाव अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का है, क्योंकि ये लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। ऐसे में साल 2024 आपके लिए अच्छा या बुरा दोनों ही साबित हो सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ कितने अच्छे हैं, आपके कर्म कितने अच्छे हैं, आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये साल 2024 उन लोगों को अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा जो बहुत ही मेहनती हैं, यानी कि जो सर्विस सेक्टर से, जॉब्स रिलेटेड हैं। इस वर्ष श्रमिक वर्ग के लिए और गरीब लोगों के लिए सरकार भी कुछ ना कुछ डिसीजन, कोई ठोस डिसीजन ले सकती है। डी नाम वालों में भी जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, यानी कि जो शारीरिक गतिविधि ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये साल काफी फायदेमंद साबित होगा। इस साल के दौरान सट्टेबाजी से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त करना, अचानक से पैसा कमाना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। हालांकि बिल्डर और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा माना जा सकता है। ये साल 2024 आपको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करेगा। राहु स्वभाव से बेहद बेचैन है, इमेच्योर है, आत्म केंद्रित ग्रह है, जबकि शनि धीमी गति से चलने वाला, सेवा देने वाला एक मैच्योर ग्रह है, वृद्ध ग्रह है। ये साल 2024 या तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा या फिर समस्याओं से भरा रहेगा। ये सब पूरी तरह से आपके पुराने कर्मों पर, आपकी पुरानी की गई मेहनत पर निर्भर करता है। जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप अपने कैरियर में अच्छी सफलता प्राप्त करते देखेंगे। नौकरी में बदलाव या फिर निवास स्थान में बदलाव के भी इस वर्ष संकेत हैं। यात्राओं के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से भी आप सफल ही रहेंगे।
स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या होने का कोई संदेश नहीं है। यहां आपको ज्यादा सोच विचार करने से बचने की आवश्यकता है, भरपूर नींद लेने की सलाह दी जाती है, वरना मानसिक समस्याएं आपको प्रभावित भी कर सकती हैं। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये समय सफलता दिलाने वाला रहेगा। ये साल डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी फलदायी साबित होगा। हाँ, लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आपके आत्म केंद्रित रवैये की वजह से आप अपने पार्टनर को नजरअंदाज या फिर उनका अनादर कर सकते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच वाद विवाद या मतभेद होने की संभावनाएं बनेंगी। इसलिए अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए यहाँ अपने साथी की भावनाओं का पूरा ख्याल रखने की आपको सलाह दी जाती है। इस वर्ष आप अपनी सामाजिक स्थिति में भी सुधार लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका परिवार और आपसे जुड़े रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर उनके लिए समय निकालना और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की यहाँ आपको आवश्यकता है। इस वर्ष आप नए आयाम तय करेंगे, जिसके लिए आपको सही लोगों से संपर्क करने की जरूरत होगी। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते नजर आएंगे। सेविंग्स करने के लिए ये एक अच्छा समय होगा। भविष्य की प्लानिंग करते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे जो आपके भविष्य के लिए काफी मददगार साबित होगी। राहु और शनिदेव की आपस में मित्रता है, जिस कारण इस वर्ष आपको अपने कैरियर में, अपने आर्थिक क्षेत्र में, अपने रिश्तों में अच्छा रिजल्ट ही प्राप्त होगा। आप अपने कैरियर के सिलसिले में विदेश जाने को उत्सुक रहेंगे। विदेश यात्रा का अवसर आपको मिल सकता है और ये आपके लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा। लेकिन इस बात का आपको यहाँ ये भी ख्याल रखना है कि आपको आपके कर्मों के आधार पर ही सफलता और उसके परिणाम मिलेंगे। इसीलिए आप लोगों को अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं पर, अपनी बढ़ती हुई जरूरतों पर थोड़ा अंकुश लगाकर आगे बढ़ना है। अगर आप धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी अपने आप को शामिल लगते हैं तो राहु के अशुभ प्रभावों में थोड़ी कमी आ सकती है। इस वर्ष आप पर काम का प्रेशर भी ज़्यादा रह सकता है। कड़ी मेहनत और चुनौतियों के बाद ही सफलता के संकेत हैं, क्योंकि शनि यहाँ आपके काम में बाधा भी देगा और देरी भी दे सकता है, जिसके चलते मानसिक तनाव और चिंता बढ़ी रह सकती है। अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु आपकी कड़ी मेहनत आपको स्वास्थ्य समस्या भी दे सकती है। इसीलिए अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए पूजा पाठ करते रहें और अपने मन मस्तिष्क को संतुलित और शांत बनाए रखने के लिए योग और मेडिटेशन की ओर बढ़ें। आर्थिक दृष्टि से ये साल 2024 आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद आपको धन लाभ भी अच्छा होगा। आपकी आमदनी से ज्यादा खर्चे होंगे और ये बात आपको परेशानी में भी डाल सकती है। परिवार के सदस्यों की सेहत का भी पूरा पूरा ख्याल रखें। हाँ, परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपकी मैरिड लाइफ भी अनुकूल ही रहेगी। काम की अधिकता के बावजूद आप अपने प्रियजनों के साथ एक अच्छा समय बिताते नजर आएंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी समय काफी बेहतर रहने वाला है। हाँ, स्टूडेंट्स को अपनी बेहतर रिजल्ट के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी। भाग्य के भरोसे वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। भाग्य का साथ भी इनको तभी मिलेगा जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। साल 2024 का ये वर्ष आपको विदेशी भूमि से किसी ना किसी रूप में जोड़ सकता है। इस वर्ष आपके सामने बेहतरीन अवसर आएंगे जो आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। कड़ी मेहनत करते रहें और अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी, भले ही शनिदेव रिजल्ट देने में देरी करें। अगर आपके नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो इस वर्ष आपके जीवन में उलझने या भटकाव तुलनात्मक रूप से ज्यादा रह सकता है। यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है अचानक से होता है। आपके भीतर कुछ बड़ा और क्रांतिकारी करने के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब आपको कोई कुशल मार्गदर्शन करने वाला, आपको कोई गाइड करने वाला, आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिले। अगर गलत संगति में पड़ गए तो गलत रास्ते की ओर बढ़ने में भी देर नहीं लगेगी। इस वर्ष आपको अपनी प्लानिंग्स में, अपनी स्किल्स में, अपनी कोशिशों में कुछ असमंजस की स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कि आप जो भी प्लानिंग बनाएंगे, आप प्लानिंग तो बहुत अच्छी बनाएंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपका तजुर्बा उतना नहीं रहेगा जितना कि उस काम की डिमांड है। यदि आप किसी गलत फहमी में पड़कर सिर्फ अपने ही विचारों तक सीमित रहते हुए उस काम को करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें पीछे रह जाएं।
वैसे तो आप किसी की सुनते नहीं हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, किसी अपने अपने सीनियर से सहयोग की और उनके मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको बड़ी और उत्कृष्ट सफलताएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी के बहकावे में आकर या किसी से इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें। ये साल 2024 आत्मचिंतन का वर्ष है, ऐसे में आप आत्ममंथन करिए, इसके बाद कुछ नया करें, लोगों के बीच में उसको बाद में लेकर जाएं जिससे आपको सफलता मिले। आर्थिक मामलों में इस वर्ष कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। पारिवारिक मामलों को अच्छा रखने के लिए आपको स्वयं को गलतफहमियों से बचाना है। यदि प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित मामलों में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। संतान संबंधी मामलों में आपको आपसी गलतफहमियों से बचना है, एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करनी है। इसी तरह लव लाइफ में भी एक दूसरे के चरित्र पर या एक दूसरे पर विश्वास कर आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। दाम्पत्य जीवन में भी इन्हीं सावधानियों को रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रिडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए साल 2024 काफी कड़ी टक्कर देने वाला रहेगा। आपको आपके भाग्य का साथ भी तभी मिलेगा जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। यदि आप कोई नया कोर्स करने की सोच रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है। आप नए क्षेत्रों में अध्ययन कर सकते हैं या फिर अपने ही सब्जेक्ट में और आगे बढ़ सकते हैं। ये भी संभव है कि आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरी सिटी में जाएं या फिर फॉरेन कंट्री जाएं। यदि आप अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं तो आपको निराशा भी महसूस होगी। तब आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी, आपको ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में रुचि लेनी होगी और इस संबंध में आपको अपने टीचर्स के साथ या अपने को पार्टनर से सलाह लेनी पड़ सकती है या उनकी सपोर्ट लेनी पड़ सकती है। अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई के साथ साथ आपको कल्चरल एक्टिविटीज में भी भाग लेना चाहिए ताकि आप नए दोस्त बनाएं, नए विषयों को जानें, जिससे आपकी सोशल नेटवर्क बढ़े, एजुकेशन में आपका नेटवर्क बढ़े, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो सामान्य से अधिक मेहनत कीजिए और समय ज़्यादा दीजिए। टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्रों के लिए समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। अंत तक अपना प्रयास जारी रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो ये साल 2024 में आपके कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपके वर्क प्लेस पर आपको काफ़ी चैलेंजेस मिलने वाले हैं। आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता के मार्ग पर, आपको प्रमोशन के मार्ग पर नए चांसेस दिलवा सकती है। इस वर्ष आप सहज रूप में अपने प्रोफेशनल वर्क में आगे बढ़ेंगे, टीम वर्क को बढ़ावा मिलेगा, आपके काम की, आपकी क्रिएटिविटी की भी सराहना होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके बिजनेस ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस वर्ष आपको आपके बिजनेस में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको यहाँ सलाह दी जाती है कि अपने काम पर फोकस्ड रहे, कुलीग्स के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचे रहें, खुद को तनाव से बचाए रखें, अपने आप को शांत रखें, धैर्य रखें। आपके साल भर की मेहनत और आपका लाभ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, इसलिए करे कराए पर मिट्टी ना फेरें। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं इस वर्ष निश्चित रूप से दूसरी जॉब में जा सकते हैं, पहले से बेहतर चांस आपको प्राप्त होंगे। बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये साल काम की अधिकता रहने वाला रहेगा, काफ़ी कड़ी मेहनत वाला रहेगा। ये साल 2024 आपको अपने कैरियर में अधिक सफलताओं के साथ और अधिक संभावनाओं के साथ और ज़्यादा समझदार बनने के बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा। आप जो भी कैरियर फील्ड में हैं उसमें अधिक समझदारी के साथ, अच्छी मैच्योरिटी के साथ और पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। आपके व्यवसाय में भी विस्तार होगा।
इस वर्ष आप किसी पर डिपेंड होकर नहीं बल्कि अपना अलग से अपनी स्वतंत्रता और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे। यदि आपको विदेश में काम करना है तो इस वर्ष आपके अपने विदेशी संबंधों को मजबूत रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रेजेंटली जिस जॉब में हैं उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि आप नए विकल्पों को खोजेंगे। नए विकल्प नए अवसरों पर आपका पूरा ध्यान होगा, पूरा फोकस होगा। आपकी यही सक्रियता आपको अपने कैरियर में बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल कॉलेज चला रहे हैं या किसी परामर्श कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन के चांस अच्छे हैं। साथ ही जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट मिलने के पूरे संकेत हैं। जो लोग MNC में काम करते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप ये भली भांति जानती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कार्य होते हैं अचानक से होते हैं, जो भी सफलता मिलेंगी वो अचानक से मिलेंगी, इसीलिए मेहनत करते रहें और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। अब बात अगर आपके फाइनेंस की कर ली जाए तो आर्थिक मामलों की दृष्टि से इस साल 2024 में काफी उछाल रहेगा, लेकिन इस आर्थिक उछाल के बावजूद भी आपको धन लाभ भी अच्छा होगा। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने खर्चों पर पूरा नियंत्रण रखना है और धन को बचाने का प्रयास भी करना है, क्योंकि इस वर्ष खर्चों में वृद्धि बहुत ज्यादा है। इस वर्ष आप धार्मिक कार्यों पर भी खूब धन खर्चा करेंगे, लेकिन इस बात से आपको निराशा होगी कि जितना आप कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपके हाथ से निकला जा रहा है। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स अपने बजट को सावधानी पूर्वक बनाना है ताकि कोई अनुचित रूप से इन्वेस्टमेंट या कोई ज्यादा खर्चा आपके लिए नुकसानदायक साबित ना हो। अपने कैश फ्लो पर नजर रखें और उसी के अनुसार ही अपने खर्चे बढ़ाएं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, लॉटरी के काम से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव मेहनत में विश्वास रखते हैं। अच्छा यही है कि इस वर्ष कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। ऊपरी चमक दमक से बचे रहें, भ्रमित होने से बचें। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के प्रभाव में आकर ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे कल को आपको परेशानी होनी पड़े। ये साल मेहनत का साल है, इसीलिए आपको ऐसे कार्यों में अपना समय और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हो, लोगों के साथ जुड़कर काम करने वाला हो। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या होने की आशंका नजर नहीं आ रही है। आप अपनी सेहत को लेकर चिंता मुक्त ही रहेंगे। फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि आप मानसिक तनाव से मुक्त रहें, भरपूर नींद लें, क्योंकि आपका मस्तिष्क 24 आवर्स चलता है। मानसिक तनाव आप बहुत जल्दी ले लेते हैं, आप तनावग्रस्त जल्दी हो जाते हैं। ये साल 2024 वैसे भी शनिदेव का है, कड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष तो आपके साथ करवाएंगे ही। आप भ्रमित अवस्था में रहेंगे तो टेंशन ज्यादा रहेगी। अच्छा यही है कि अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें ताकि कोई बड़ी बीमारी होने से आप बचे रहें। आपकी स्किन पर चकते हो सकते हैं या फिर इंडाइजेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा खराब रह सकता है। अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का भी सहारा ले सकते हैं। हेल्दी डाइट और सुबह शाम की सैर आपके स्वास्थ्य को हर तरह की स्वास्थ्य समस्या से बचा कर रखेगी। अब आप बहुत ही सरल तरीके से अपने बारे में जान सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में जान सकते हैं। ईश्वर ने आपको इसी डेट ऑफ बर्थ के साथ ही क्यों पैदा किया है ये जान सकते हैं। किसी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर आप आसानी से पहचान पाएंगे कि वो कौन से नंबर की एनर्जी है। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इवन हाउसवाइफ, ये सभी के लिए कोर्स है। इन अंकों की भाषा को समझना आप सबके लिए अब बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 1 से 9 के इन अंकों की नेचर को गहराई से समझ लेते हैं तो आपके लिए जीवन को समझना, जीवन के पथ पर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी के अनुरोध पर इस कोर्स को जनवरी 2024 से शुरू करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक व्यक्ति ही व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। बात अगर आपके रिलेशनशिप की कर ली जाए, आपके प्रेम संबंध की कर ली जाए, तो इस वर्ष आप अपने साथी से, अपने पार्टनर के साथ और अधिक समझदारी के साथ और संवेदनशीलता से प्यार करेंगे। उनके साथ रिलेशन आपके स्थिर रहेंगे, स्टेबिलिटी पाएंगे। हालांकि आपको उनके साथ कुछ नए समझौते भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वर्ष कुछ उलझने भी हो सकती हैं जो आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित करेंगे। विचारों में विरोधाभास,
मन मुटाव की स्थिति बनी रह सकती है, आप एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते नजर आ सकते हैं, अपनी गलतियों को छिपाने का हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। क्रोध की अधिकता में आप आक्रामक भी हो सकते हैं। ये साल 2024 आपके लिए रिश्तों में सावधानी बरतने की मांग कर रहा है, क्योंकि आप भ्रमित तो होंगे ही और आपका ये वहम और रिश्ते में उम्मीदें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपके इस व्यवहार के कारण आपसे दूरियां भी बना सकता है। अच्छा यही है कि अपने व्यवहार में नरमी लाएं, धैर्य रखें, अपने संबंधों को, अपने भावों को, अपने विचारों को समझने का प्रयास करें, आत्म केंद्रित होने से बचें, बल्कि अपने साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आप उन्हें स्पेस दें, और आपकी यही कोशिश आपके अपने संबंधों में मजबूती तो लाएगी ही, एक स्टेबिलिटी आपके भविष्य को मजबूत करेगी। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, इस वर्ष उन्हें उसे ढूंढने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस वर्ष वे अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति उनके साथ अपने जीवन में प्रवेश कर सकता है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ लोगों के आने जाने के कारण छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और समस्याओं को सुलझा लें, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना आने दें। वैसे इस वर्ष आपका साथी भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आप दोनों ही एक दूसरे की जरूरत को समझेंगे। इस वर्ष आपकी मैरिड लाइफ से मजबूत होगी ही, आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर भी जा सकते हैं, इन यात्राओं से आप एक दूसरे को और भी ज्यादा जान सकते हैं और आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी। इस वर्ष आप लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं जो आपके लिए काफी आनंददायी साबित होंगी। हो सकता है आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ अपना रिश्ता बनाएं जो लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता हो, लेकिन जितना भी समय आप उनके साथ बिताएंगे रोमांटिक पलों के साथ बिताएंगे। इस वर्ष आपके कई नए दोस्त बनेंगे, लेकिन सिर्फ दिखावे भर के, जरूरत पड़ने पर आपके कोई काम नहीं आएगा। आपकी मैरिड लाइफ भी काफी इमोशनल रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ही आपके व्यवहार के कारण जीवन साथी के साथ या आपके लव लाइफ में दूरियां बन सकती हैं, और फिर यही दूरी आपको अकेलेपन का एहसास भी करवाएगी। आप सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, लेकिन आपकी पजेसिवनेस, आपका सेल्फ सेंटर्ड रहना आपकी पर्सनल लाइफ में काफी समस्याएं खड़ी कर देगा। आप अपने साथी को मनाने का भरपूर प्रयास भी करेंगे, जिस कारण आप दोनों के बीच सब कुछ धीरे धीरे अच्छा भी होता चला जाएगा। पुराने झगड़े, मैटर्स और गलत फहमियां काफी हद तक सुलझ जाएंगी। आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, आपके रिश्ते को विकसित करेगा, और आप भी अपने आप को अविश्वसनीय रूप से एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर काफी लंबे समय से आपके रिश्ते में कोई समस्या चली आ रही है, तो उस समस्या का भी इस वर्ष निदान हो जाएगा। या तो खराब रिश्तों में सुधार आ जाएगा, या फिर तलाक की स्थिति तक पहुंच जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा, वो कानूनी रूप ले लेगा, लेकिन एक रास्ता अवश्य मिल जाएगा। वैसे आप अपनी कूटनीति से सब कुछ संभालने में सक्षम भी रहेंगे, आप पहले की तुलना में चीजों को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ धैर्य का परिचय देना है, समझदारी दिखानी है, ताकि आपका परिवार ना बिखरे, आपकी अपने परिवार से दूरियां ना बढ़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साल 2024 में आपका मुख्य रुझान अपनी अंतर चेतना को विकसित करने में रहेगा। आप आध्यात्मिक की ओर भी अग्रसर होंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे, लाइफ को प्रैक्टिकल रूप में जिएंगे, आप अपने रिश्तों में भी ईमानदारी दिखलाएंगे और सोच समझ कर ही कार्य करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, ये आप जान पाएंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत भी खूब करेंगे। वैसे तो आपके दिमाग को कोई नहीं पकड़ सकता, जहां सब हार मान जाते हैं वहां आप अपना जलवा दिखाते हैं, फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचे रहें। ये साल 2024 आपके लिए अनुकूल बना रहे, उसके लिए आप कुछ विशेष सावधानी बरतेंगे तो निश्चय ही शानदार सफलता के रास्ते पर होंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें, रिश्तों में गलतफहमियां बिल्कुल भी पैदा न होने दें, आपसी बातचीत से सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा है, शक की गुंजाइश बढ़ने ना दें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत में ना पड़े लोन बिल्कुल भी ना लें, कहीं से भी कर्जा ना लें और ना ही किसी को कर्जा दें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम ना करें, किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिस काम में आपको नेगेटिविटी आने लगे उस काम से दूर हो जाएं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, व्यर्थ का मानसिक तनाव तो होगा ही, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने कुलीग्स और सीनियर्स से व्यर्थ की बातों पर डिस्कशन ना करें, आपकी स्मार्टनेस उन्हें बुरी लग सकती है। वर्क प्लेस पर उतना ही बोलें जितनी जरूरत है। अपने सभी कार्य फोकस्ड होकर करें, एकाग्रता के साथ करें। व्यर्थ के खर्चों पर लगाम रखें, वरना कर्जे में पड़ सकते हैं।
और इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर विवेक से करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ करें। इन सब के बावजूद परिस्थिति ऐसी बन जाए कि कुछ समझ ना आए, लाइफ को कोई दिशा ना मिल रही हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।